गुजरात, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे तमाम जगह पर कई लोग फंसे हुए हैं। इनमें मजदूर, पर्यटक और छात्र शामिल है। इसी को ध्यान में रखते हुए आखिर रेलवे कितनी जोड़ी स्पेशल ट्रेन चला सकती है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट और इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के और भी लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलता रहे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रेलवे ने ऐलान कर दिया है कि अब मई के महीने में सिर्फ उसी ट्रेन का परिचालन होगा जो कि स्पेशल ट्रेन होगी, और वह स्पेशल ट्रेन श्रमिक स्पेशल ट्रेन के नाम से चलेगी। और इस ट्रेन में कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ेगा, इसके लिए रेलवे ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। रेलवे का कहना यह है कि रेलवे सिर्फ इस तरह के ट्रेन का परिचालन बाहर फंसे हुए और अन्य राज्यों में फंसे हुए मजदूर, छात्र, पर्यटक के लिए ट्रेन चला रही है। और यह रेलवे इसलिए करने वाले क्योंकि राज्य सरकार लगातार रेलवे बोर्ड से अनुरोध करते आ रहे हैं, जिसको लेकर के रेलवे बोर्ड ने यह एक बड़ा फैसला लिया है। और यहाँ पर गुजरात, उत्तराखंड और राजस्थान के लिए स्पेशल ट्रेन रेलवे चला सकती है क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। और गुजरात, उत्तराखंड व राजस्थान जैसे रेलखंड से अगर ट्रेन चलती है तो फिर इन लोगों को अपने घर वापस आने का मौका मिलेगा। यह एक रेलवे का बड़ा ऐलान है जिससे उन लोगों को राहत मिलेगा जो लोग को बाहर फंसे हुए हैं और कुछ मजबूरी के कारण घर वापस नहीं आ पा रहे थे। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें